औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर नंबर 3 के बगदून थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब के किनारे पहले एक युवक ने एक अधेड़ व्यक्ति को चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें आरोपी संतोष खटीक उम्र 50 वर्ष की मारपीट के बाद बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी थी। हत्या का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें एक लाल नीला शर्ट पहने युवक बेरहमी से अधेड़ का गला रेत कर आराम से जाता दिखाई दे रहा था। नगर पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल, नवागत थाना प्रभारी आनंद तिवारी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की बारीकी से छानबीन की। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी के बयानों व हत्यारे की जानकारी हुलिया के आधार पर संदिग्ध हत्यारे की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया, आरोपी की तलाश की और उसे धर दबोचा। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि संतोष का आरोपी के घर आना जाना था, जो हत्यारे रवि को रास नहीं आया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जो हत्याकांड हुआ है उसमें क्या खुलासा? दो दिन पूर्व एक व्यक्ति ने बगदून तालाब के पाल में संतोष पिता छोटेलाल खटीक की हत्या की थी और हत्या करके फरार हो गया था। वीडियो जारी हुए थे जिसमें विभत्स हत्या हुई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने इसको जल्द से जल्द ट्रेस करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में आज दिनांक को इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से खेड़ा निवासी रवि सोलंकी, जिसने हत्या कारित की थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसे जुडिशियल रिमांड में भेज जिसे पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है और उसका पुलिस रिमांड और विवेचना के लिए लिया जा रहा है। सर, हत्या किन कारणों से हुई? हत्या का कारण मृतक का आना जाना, घर में आना जाना, उसको रास नहीं आ रहा था, इस कारण से हुई। इस हत्या को खुलासा करने में TI आनंद तिवारी और गिरफ्तार करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्रतीक शर्मा, जो कि प्रभारी घाटा बिल्लोद का रहा, और टीम इसमें दिलीप और अन्य आरक्षकों ने किया। सागौर की टीम ने भी इसमें मदद की, जिसमें राजेंद्र सिंह भदौरिया और उनकी टीम भी लगी हुई थी, और इस प्रकार इस हत्या का खुलासा किया गया। सर, आरोपी इसमें अकेला ही है या फिर उसके साथ अन्य सहयोगी भी रहे हैं? अभी तक की विवेचना में आरोपी अकेला है, आगे की विवेचना में और आप भी आएंगे तो उनको भी तरह की जब्ती भी की गई है, चाकू जब्त किया गया है। सर, आरोपी पर पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज हुए? उसकी छानबीन की जा रही है। आपका नाम? तरुणेन्द्र सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।